अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खरीय से होंगे अल्लाह पाक सब को अपने जो मान में रखे आमीन तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मक्खन से देसी घी बनाना तो हर घर में बलाई जमा की जाती है और उससे मक्खन तैयार किया जाता है और आज हम बनाएँगे मक्खन से देसी घी तो किस तरह हम आला क्वालिटी का देसी घी घर में तैयार कर सकते हैं वन के मेरे पास यहाँ पर मक्खन है तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पकाना है आधे से पौने घंटे तक और यहाँ पर आप देख लें कि आंच को आपने इतना ही सेट करना है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना मीडियम टू लो फ्लेम हम इसको सेट करेंगे और इस मक्खन को पिघलने तक हम चम्मच चलाएंगे तो मक्खन के पिघलने का हम वेट करेंगे और दो दो मिनट बाद हम इसमें इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे तो ये मुकम्मल पिघल चुका है यहाँ पर मक्खन और यहाँ इसके ऊपर देखें जाग और बबल्स आ रहे हैं तो हम चम्मच से इसको इस तरह से सेट करेंगे छोटे छोटे बबल्स को हम इस तरह से सेट कर देंगे इसको आधे से पौना घंटा लग सकता है आराम आराम से पकने में ये देखें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं तो हर पाँच मिनट बाद आप इसमें चम्मच से इसको सेट कर दें और इसको चेक करते रहें तो इसको फिर से चेक करेंगे इस तरह से चम्मच से हिलाएंगे और चम्मच को आपने बिल्कुल ज़ोर जोर से नहीं हलाना बस जस्ट ऊपर से हमने इस जाग को इस तरह किनारों के साथ करना है और इसको सेट कर देना है और उतनी ही आंच पे जितनी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है उतनी ही आंच पे आप इसको मुकम्मल तैयार करेंगे इस तरह सेट करते रहें पाँच से दस मिनट बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ से आधे से पौना घंटा हो चुका है इसको पकते हुए ये देखें तो बहुत ही प्यारी सी इसके ऊपर लेयर्स आई हैं जाग की तो इसको हम साइड पे करेंगे और इसके अंदर जितना भी पानी था वो एक ही जगह एक ही फॉर्म में कट्ठा हुआ है तो उसको हमने मिक्स नहीं करना इस तरह से जाग को साइड पे करेंगे और बहुत ही अला क्वालिटी का घी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना प्यारा इसका कलर है ये देखें और इसका जितना पानी जितना दूध और लस्सी जिसको छाछ भी कहते हैं ये देखें एक ही फॉर्म में इकट्ठी हुई है तो इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना तो पाँच से दस मिनट तक इसको मैं और पकाऊंगी। तो इस तरह इसके अंदर जितना भी पानी है आप इसको अच्छी तरह खुशक करें तो ये देखें ये एक ही फॉर्म में इकट्ठी हो चुकी है जाग भी ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छा सा घी यहाँ पर तैयार हो चुका है तो अच्छी तरह इसके पानी को खुशक करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम निकालेगा बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी और ख़राब भी नहीं होगा तो अब हम इसको आराम से उतार लेंगे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको स्टेन करेंगे अब यहाँ पर कोई सा भी बर्तन ले लें जिसमें ये ठंडा भी हो जाए और ये महफूज भी रहे और इसी तरह गर्मा गर्म आप इसमें इस तरह से स्टेन कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है और बिल्कुल भी ये चिपका भी नहीं तो इसको हम अच्छी तरह इस तरह साफ़ कर लेंगे ये देखें बिल्कुल नहीं सा चिपका इसको साइड पे रखेंगे और इसको हम अच्छी तरह थोड़ी देर घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह सारा घी निकल जाए इस तरह से तो बहुत ही खुशबूदार अलग क्वालिटी का घी बनकर तैयार हो चुका है ये देखें अब इसको ठंडा करेंगे और इसको महफूज करेंगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़